ब्लॉक स्तरीय पेशा समन्वय भर्ती निरस्त करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर डही से जेएस कार्यकर्ताओं ने डही तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत राज संचालनालय अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनुसूचित जिलों एवं ब्लॉकों में ब्लॉक पेशा समन्वयक भर्ती में अनियमितता सामने आई है, जिसे जय आदिवासी युवा शक्ति जेएस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार डही को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कुछ विशेष संगठनों से जुड़े लोगों को इसमें नियुक्त कर दिया गया है। कई विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इस भर्ती को लेकर तुरंत जिम्मेदार व्यक्तियों एवं अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की जाकर इस भर्ती को निरस्त किया जाए। डही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। नए सिरे से भर्ती कराने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने बाबत मान्यवर निवेदन है कि पंचायत राज संचालनालय अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनुसूचित जिला एवं ब्लॉक में ऐसा समन्वय भर्ती में अनियमितता सामने आई, जिसमें एक विशेष पार्टी एवं उससे जुड़े संगठनों के लोग को नियुक्त किया गया। 2021 भर्ती का विज्ञापन आया। इस प्रक्रिया में मेरिट में नामांकित लगभग 890 अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए जनवरी 2022 में आमंत्रित किया। 9 से 11 फरवरी 2022 को साक्षात्कार निधि निर्धारित की गई, परंतु 8 फरवरी 2022 को साक्षात्कार की निधि निरस्त कर दी गई। सोशल मीडिया के जानकारी अनुसार उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया सेड में द्वारा निरस्त कर दी गई, परंतु जिसकी कोई भी जानकारी और शुल्क वापसी अभ्यर्थी को प्राप्त नहीं हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लॉक एवं जिला समेत के 3 दिवसीय प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त हुई, जबकि पूर्व मेरिट अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को पूर्ण कोई जानकारी या पत्र जारी नहीं किया गया और षड्यंत्रपूर्वक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लिया गया एवं प्रशिक्षण भी दे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।